स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट बुक में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और एंट्रेंस की तैयारी पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। आपको पता है कि बैंकिंग एक सब्जेक्ट है आपके एंट्रेंस में। यदि आप DDO से BCom करना चाहते हैं तो एंट्रेंस में पर्टिकुलरली सब्जेक्ट बनाया गया बैंकिंग के नाम से, और उसमें से आपको 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स क्वेश्चन। और 20 मार्क्स के पूरे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे 2-3 लेक्चर्स में, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और यदि आपने इतना कर लिया ना तो आपको और कुछ नहीं करना है। और शुरुआत में आपको बताना चाहिए कि यदि आपने अभी तक टारगेट बिल्कुल मोबाइल ऐप नहीं डाउनलोड किया तो यदि आप चाहते हैं कि आपको ये PDF फ्री में मिले, उसके साथ साथ और भी आपको टेस्ट मिले, तो आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ से आप फ्री टेस्ट का एक्सेस ले सकते हैं, इस PDF का एक्सेस ले सकते हैं एंड मच मोर थिंग्स विच यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, वो आपको मिलेंगी टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप में। बताइए, इंस्टेंटली टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए। और एक और चीज़, यदि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए सर्च कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, तो उसमें से सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, फ्री का आपको एडवाइस दे रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपके लिए टारगेट गुरुकुल मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में संघर्ष बैच के माध्यम से आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। चाहे आप CUET के माध्यम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, या फिर आप DDO में जाना चाहते हैं, या फिर आप LU में जाना चाहते हैं, आप यदि किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से BA, BSc, BCom, LLB, PLLB, इसके अलावा और भी कोर्सेज यदि आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए टारगेट गुरुकुल ये आपको कोर्सेज का एक्सेस मिल रहा है ओनली एट 500 रुपीज़। केवल 500 में आपको कोर्सेज मिल रहा है। तो जाइए जल्दी से टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए, आपके कोर्स का एक्सेस लीजिए और अपनी तैयारी को नई दिशा और एक नई दिशा दीजिए। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ द डिफेक्ट ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का डिफेक्ट क्या है? ऑप्शन ए है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉट, ऑप्शन बी है डिफिकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ऑप्शन सी है डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसमें से कौन सा बार्टर सिस्टम का डिफेक्ट है? डिफेक्ट यानी डिमेरिट। इसमें से कौन से बार्टर सिस्टम की कमी को बताया? तो आपको पता है कि बार्टर सिस्टम में 4 कमियाँ थी। सबसे पहले थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ये चारों की चारों कमियां थी बार्टर सिस्टम में, कमियों को खत्म करते हुए आपका मनी आया और ये मनी आपके इन चारों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। आपको याद क्या रखना है कि बार्टर सिस्टम के 4 डिफेक्ट्स थे, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट, लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि इसमें से कौन सा बार्टर सिस्टम का डिफेक्ट है, तो इसमें ये तीनों के तीनों बार्टर सिस्टम के डिफेक्ट है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट, डिफिकल्टी इन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप तो कह रहे हैं लैक ऑफ और यहाँ तो डिफिकल्टी दिया हुआ है। तो देखिए, शब्द बदल सकते हैं लेकिन मतलब वही है। डिफिकल्टी यानी मुश्किल एंड लैक मतलब कमी, ठीक है? तो सेंस वही है कि मेजरमेंट ऑफ वैल्यू में मुश्किल होती थी, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू की कमी थी, ठीक है? तो सेंटेंस के शब्द बदल सकते हैं लेकिन सेंटेंस का मीनिंग सेम है, ठीक है? आपको याद रखना है कि हो सकता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल दिया जाए, सेंटेंस के वर्ड्स बदल दिया जाए, लेकिन सेंटेंस की मीनिंग पे आपको जाना है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर और वर्ड्स पर नहीं जाना है। सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है, परखना है, फिर आंसर देना है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रेडिट मनी। इसमें से कौन सा क्रेडिट मनी है? ऑप्शन ए चेक एंड ड्राफ्ट, ऑप्शन बी प्रॉमिसरी नोट, ऑप्शन सी एक्सचेंज नोट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से तीनों के तीनों चेक एंड ड्राफ्ट, प्रॉमिसरी नोट एंड एक्सचेंज नोट, ये तीनों के तीनों आपके क्रेडिट मनी में आते हैं। तो दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन क्रेडिट मनी, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द नियर मनी। इसमें से कौन सा नियर मनी है? नियर मनी यानी लगभग वो मनी है, वो मनी के बराबर है, ठीक है? ऑप्शन ए है बॉन्ड्स, ऑप्शन बी इंश्योरेंस पॉलिसी, ऑप्शन सी सिक्योरिटीज, ऑप्शन डी थॉट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दिस। नियर मनी में बॉन्ड्स भी आते हैं, नियर मनी में इंश्योरेंस पॉलिसी भी आती है, नियर मनी में सिक्योरिटीज भी आते हैं, ठीक है? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मनी। इसमें से कौन सा मनी का
ऑप्शन है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, ऑप्शन बी है होमोजीनियस यूनिट, ऑप्शन सी है लिक्विड एसेट या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों के तीनों फीचर हैं मनी के। मनी जनरल एक्सेप्टेबल भी होता है, जनरली एक्सेप्टेबल भी होता है, मनी एक होमोजीनियस यूनिट भी होता है, मनी एक लिक्विड एसेट भी होता है। तो इसका ऑप्शन रहेगा दैट इज डी ऑल ऑफ दिस। मनी के तीनों फीचर्स हैं जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, होमोजीनियस यूनिट और लिक्विड एसेट। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू इंकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में, हमारे देश की इकोनॉमी में, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है। तो सेंट्रल बैंक कैश रिजर्व रेशियो को रिड्यूस कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करता है अपने मार्केट में, या फिर बैंक रेट को इंक्रीज करता है। तो याद रखना है कि जब भी सेंट्रल बैंक के चाहता है कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, यदि वो हमारे देश के इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करना चाहता है तो वो रिड्यूस करेगा कैश रिजर्व रेशियो को, वो रिड्यूस करेगा बैंक रेट को, वो परचेज करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा दैट इज रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो। यदि सेंट्रल बैंक चाहता है कि कंट्री में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो तो कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देता है। कैश रिजर्व रेशियो को जैसे ही सेंट्रल बैंक कैपेसिटी बढ़ जाती है, और जब बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है तो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, हमारे देश में मनी क्रिएशन बढ़ जाता है, और हमारे देश में मनी सप्लाई भी बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंटर रिलेटेड टॉपिक्स है। अगर हमारे देश में सेंट्रल बैंक कैश रिजर्व रेशियो को, बैंक रेट को, रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को, इन सभी को यदि वो डिक्रीज कर देता है तो इसकी वजह से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, बैंक्स की लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, मनी सप्लाई बढ़ जाता है, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इंस्टीट्यूशंस दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लेंडिंग पर्पज इज नोन एज, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट ताकि वो लोन दे सकें, उन इंस्टीट्यूशंस को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी है सेंट्रल बैंक, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट, या फिर ऑप्शन डी पब्लिक। तो आप सभी को बताएं कि कमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और बिजनेसेस को देते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए दैट इज कमर्शियल बैंक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक, इसमें से कौन सा कमर्शियल बैंक का फंक्शन है। ऑप्शन ए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ऑप्शन बी क्रेडिट क्रिएशन, ऑप्शन सी एजेंसी फंक्शन, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता है कि कमर्शियल बैंक के दो प्रकार के फंक्शंस होते हैं, एक होता है कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन और एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन देना आता है, और सेकेंडरी फंक्शन में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, एजेंसी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब चीज़ें आती हैं। तो आपको पता है कि कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन में डिपॉजिट एक्सेप्ट करना भी आता है, क्रेडिट क्रिएशन भी आता है, और एजेंसी फंक्शन भी आता है। डी इज ऑल ऑफ दिस, इसमें से सारे के सारे फंक्शन है आपके कमर्शियल बैंक्स के। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाय, सेंट्रल बैंक क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है। क्रेडिट की अवेलेबिलिटी यानी लोन की अवेलेबिलिटी, लोन आसानी से अवेलेबल हो, इसको इंक्रीज कैसे कर सकता है सेंट्रल बैंक। ऑप्शन ए है रेजिंग रेपो रेट, रेजिंग रिवर्स रेपो रेट, बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या फिर सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यदि हमारे देश में गवर्नमेंट ये चाहती है कि क्रेडिट सबको मिले, लोन ज़्यादा दिया जाए, इन्वेस्टमेंट प्रमोट हो हमारे देश में, हमारे देश में मनी सप्लाई बढ़े, तो हमारे देश की गवर्नमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करें। देखिए यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, इसका ऑप्शन होगा सी दैट इज़ बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। यदि सेंट्रल बैंक चाहती है कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदेगी। जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदेगी तो पैसा बैंक्स के पास जाएगा, और जब पैसा बैंक्स के पास जाएगा तो बैंक्स क्रेडिट दे पाएंगे, बैंक्स लोन दे पाएंगे। इसका ऑप्शन होना चाहिए सी दैट इज बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। चलिए अगला क्वेश्चन है गिविंग परमिशन टू विड्रॉ मनी बाई एन अमाउंट मोर देन डिपॉजिटेड इज नोन एज, यानी यदि आपको बैंक ये परमिशन देता है कि आपने जितना पैसा डिपॉजिट किया उससे ज़्यादा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। इसी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। एक ऐसी फैसिलिटी जिसके माध्यम से कमर्शियल बैंक आपको कहता है कि आपने जितना पैसा डिपॉजिट किया उससे ज़्यादा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं, देन दिस फैसिलिटी इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 10।
वट आर द अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, इसमें से कौन से अल्टरनेटिव मेजर्स हैं इंडिया में मनी सप्लाई के? ऑप्शन ए है M1, M2, M3 एंड M4 या फिर ऑल ऑफ दीज। आपको पता है कि मेजर्स जो है आपके मनी सप्लाई के वो चार हैं, M1, M2, M3, M4। आपको पता होगा कि M1 में क्या आता है, M2 में क्या आता है, M3 में क्या आता है और M4 में क्या आता है, ठीक है? उसको भी याद कर लीजिएगा कि M1 में क्या आता है, M2 में क्या आता है, M3 में क्या आता है और M4 में क्या आता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि मनी सप्लाई के चार मेजर्स होते हैं, M1, M2, M3, M4। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज ऑल ऑफ दीजिए, चारों के चारों मनी सप्लाई के मेजर्स हैं। अगला क्वेश्चन है, हु सर्कुलेट्स ऑल मिंट एंड 1 रुपी नोट इन इंडिया? मिंट यानी क्वाइंस। हमारे देश में कौन सारे क्वाइंस को और 1 रुपी नोट को सर्कुलेट करता है? तो हमारे देश में सारे क्वाइंस को और 1 रुपी नोट को सर्कुलेट करने की जिम्मेदारी हमारे देश के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री। हमारे देश का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास हमारे देश के जितने भी क्वाइंस होते हैं और हमारे देश का जो भी 1 रुपी नोट होता है उसको सर्कुलेट करने का अधिकार है। आपको याद रखना है हमारे देश में नोट प्रिंटिंग का अधिकार और नोट को सर्कुलेट करने का अधिकार RBI के पास है, केवल एक नोट को छोड़ के, वो है 1 रुपये का नोट और क्वाइंस। क्योंकि 1 रुपये का नोट और क्वाइंस इशू करने का अधिकार मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को है, लेकिन 1 रुपये के नोट और सिक्के को छोड़ के बाकी जितने भी करेंसीज होंगे हमारे देश में वो सब RBI प्रिंट करेगा, हमारे देश का सेंट्रल बैंक प्रिंट करेगा, लेकिन 1 रुपये का नोट और क्वाइन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करता है। डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इज द नैरो मेजर ऑफ मनी सप्लाई, इसमें से कौन सा मनी सप्लाई का नैरो मेजर है? तो इसमें से मनी सप्लाई का नैरो मेजर है M1। M1 इज द नैरोवर मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के सारे मेजर्स में से सबसे नैरोवर यानी सबसे संकीर्ण जो माप है वह है आपका M1। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा, दैट इज M1। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया? हमारे देश में मिनिमम रिजर्व सिस्टम को कब स्टार्ट किया गया था? तो हमारे देश में मिनिमम रिजर्व सिस्टम को 1957 में स्टार्ट किया गया था। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में मिनिमम रिजर्व सिस्टम को 1957 यानी 1957 में स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? तो हमारे देश में मिनिमम रिजर्व सिस्टम को 1957 यानी 1957 में स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विच इज़ द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई, इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा लिक्विड मेजर है मनी सप्लाई का? ऑप्शन ए है M1, M4, ऑप्शन बी है M3, ऑप्शन सी है M2 एंड ऑप्शन डी है M1। M1 आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा नैरोवर और सबसे ज़्यादा लिक्विड मेजर है मनी सप्लाई का M1। कौन है? M1 इज़ द मोस्ट लिक्विड एंड मोस्ट सॉरी M1 इज़ द मोस्ट लिक्विड एंड नैरोवर मेजर ऑफ मनी सप्लाई, सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा लिक्विड जो मेजर है आपके मनी सप्लाई का वो है M1, ठीक है? अगला क्वेश्चन नंबर 15, हाई पावर्ड मनी किसे कहते हैं? हाई पावर्ड मनी का मतलब होता है C+R+OBT। सी मतलब कैश करेंसी एंड कॉइन्स विद जनरल पब्लिक, आर मतलब होता है रिजर्व्स एंड OD मतलब होता है अदर डिपॉजिट विद RBI। तो C+R+OD इन तीनों को जोड़ दें तो हाई पावर्ड मनी होता है। तो इसका ऑप्शन आएगा दैट इज C+R+OD। अगला है, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम किस चीज पर आधारित है? ऑप्शन ए पेपर स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी मेटालिक स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी गोल्ड स्टैंडर्ड या फिर ऑप्शन डी क्रेडिट मनी स्टैंडर्ड। तो हमारे देश का जो मॉनेटरी सिस्टम है वो गोल्ड स्टैंडर्ड, सॉरी यहाँ पे पेपर स्टैंडर्ड लिखा है, चलिए हाँ हमारे देश का जो मॉनेटरी सिस्टम, इंडिया का जो मॉनेटरी सिस्टम है वो पेपर स्टैंडर्ड पे बेस्ड है, ठीक है? आपको याद रखना है कि इंडिया का जो मॉनेटरी सिस्टम है वो पेपर स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। पेपर स्टैंडर्ड इससे पहले हमारे देश का जो भी मॉनेटरी सिस्टम था वो गोल्ड स्टैंडर्ड पे बेस्ड हुआ करता था। हमारे देश का ही नहीं, पूरे विश्व के जितने भी देश हैं सभी का जो मॉनेटरी स्टैंडर्ड था वो गोल्ड स्टैंडर्ड पे बेस्ड हुआ करता था, लेकिन अभी पेपर स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, इसमें से कौन सा सबसे बड़ा बैंक है इंडिया का? एपेक्स यानी सबसे बड़ा, सर्वोच्च। तो इसमें से सर्वोच्च बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आरबीआई इज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए समझ। अगला है हु हैज़ द राइट ऑफ नोट इशू, इसमें से किसके पास नोट इशू करने का अधिकार है, ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक, ऑप्शन बी कमर्शियल बैंक, ऑप्शन सी गवर्नमेंट, ऑप्शन डी कोऑपरेटिव बैंक। तो हमारे देश में नोट प्रिंट करने का अधिकार, नोट इशू करने का अधिकार केवल सेंट्रल बैंक के पास होता है। कमर्शियल बैंक्स नोट इशू नहीं कर सकते, गवर्नमेंट नोट इशू नहीं कर सकता है, कोऑपरेटिव बैंक नोट इशू नहीं कर सकता है। नोट इशू करने का अधिकार केवल और केवल हमारे देश के सेंट्रल बैंक, इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आपको इसमें याद क्या रखना है कि किसी भी देश में नोट इशू करने का अधिकार केवल सेंट्रल बैंक के पास होता है, कोई कमर्शियल बैंक नोट इशू नहीं कर सकता है, कोई गवर्नमेंट नोट इशू नहीं कर सकती है, कोई कोऑपरेटिव बैंक नोट इशू नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक, इसमें से कौन सा सेंट्रल बैंक का फंक्शन है, ऑप्शन ए इशू ऑफ नोट्स, ऑप्शन बी बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड बैंक, ऑप्शन सी सप्लाई एंड कंट्रोल ऑफ मनी। सेंट्रल बैंक के सारे फंक्शंस हैं, बैंक गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम करना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना और नोट को इशू करना, ये सब का सब सेंट्रल बैंक का काम है। सेंट्रल बैंक नोट इशू करता है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए बैंक का भी काम करता है और सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल भी करता है। तो इसका ऑप्शन मिलेगा दैट इज डी ऑल ऑफ दिस, ये सारे के सारे सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट अ कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप विथ आरबीआई इज कॉल्ड, यानी आपके टोटल डिपॉजिट का वो रेशियो जो एक कमर्शियल बैंक आरबीआई के साथ रखता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन ए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन बी डिपॉजिट रेशियो, ऑप्शन सी कैश रिजर्व रेशियो, या फिर ऑप्शन डी लीगल रिजर्व रेशियो। याद रखना जो डिपॉजिट का हिस्सा, डिपॉजिट का जो रेशियो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के साथ रखते हैं उसको हम सीआरआर कहते हैं, सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। और जो डिपॉजिट का हिस्सा कमर्शियल बैंक्स अपने पास रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ करेंट एसेट्स उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दैट इज शॉर्ट में एसएलआर। एसएलआर है जो कमर्शियल बैंक्स अपने पास रखते हैं एंड सीआरआर डिपॉजिट का वो हिस्सा है जो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के साथ रखते हैं। सीआरआर कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट का वो हिस्सा जो आरबीआई के साथ कमर्शियल बैंक्स को रखना पड़ता है एंड एसएलआर डिपॉजिट का वो हिस्सा जो कमर्शियल बैंक्स को खुद के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ करेंट एसेट्स। आई थिंक इट इज लाउड एंड क्लियर स्टूडेंट, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड, डिमांड डिपॉजिट्स में क्या क्या आता है तो आपको याद रखना है, आपको मैं बता दिया करेंट अकाउंट डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और करेंट अकाउंट डिपॉजिट ये दोनों आता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दैट इज डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट और करेंट अकाउंट डिपॉजिट। अगला क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम के नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं, लिमिटेड नीड्स, लिमिटेड एक्सचेंज एरिया, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी, ये सभी के सभी बार्टर सिस्टम के नेसेसरी कंडीशंस हैं। बार्टर सिस्टम में नीड्स लिमिटेड होती थी यानी उनकी ज़रूरतें सीमित होती थी, एक्सचेंज का एरिया सीमित होता था और जो सोसाइटी थी वो हमारी आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ी सोसाइटी थी, काफ़ी पिछड़ा समाज था आर्थिक रूप से, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम के तीनों नेसेसरी कंडीशंस हैं, लिमिटेड नीड्स, लिमिटेड एक्सचेंज एरिया एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन नंबर 23, What are the advantages of barter system? Barter system का advantage क्या था? Barter system एक simple system था। Barter system में mutual cooperation होता था और barter system में कोई economic disparity नहीं होती थी, यानी कोई आर्थिक असमानता नहीं होता था, यानी कोई economic inequality नहीं थी। ये सब barter system के merits हैं। आपको याद रखना कि barter system के merits कौन कौन से हैं। Barter एक system एक simple system था। Barter system में अधिक पारस्परिक सहयोग था, मोर म्यूचुअल कोऑपरेशन था और कोई इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नहीं थी, कोई भी आर्थिक असमानता नहीं थी। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, विच वन इज द डिफिकल्टी ऑफ बार्टर सिस्टम, इसमें से कौन सा बार्टर सिस्टम का डिफिकल्टी है। ऑप्शन ए है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, ऑप्शन बी डिफिकल्टी इन डिवीजन ऑफ गुड्स, लैक ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, मेजर ऑफ वैल्यू। इसका ऑप्शन
डी हो जाएगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये सब के सब बार्टर सिस्टम के डिफिकल्टीज हैं, ये सब के सब बार्टर सिस्टम की मुश्किलें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस करते हैं। विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी इवोल्यूशन? मनी इवोल्यूशन का इसमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है? ऑप्शन ए है कमोडिटी मनी, पेपर मनी, मेटल मनी। ऑप्शन बी है कमोडिटी मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी। ऑप्शन सी क्रेडिट मनी, मेटल मनी, पेपर मनी। और ऑप्शन डी नॉट डी। आपको याद रखना है सबसे पहले मनी के इवोल्यूशन फेज में जिस मनी का इवोल्यूशन हुआ था, जो मनी सबसे पहली बार उभर के आया था, वो था कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी के बाद मेटेलिक मनी आया, फिर पेपर मनी आया, फिर क्रेडिट मनी आया। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दैट इज कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी, पेपर मनी एंड क्रेडिट मनी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला मनी इज क्वेश्चन है, मनी इज व्हाट मनी डज। ये कौन कहा था? मनी वही है जो मनी का काम करता है। मनी हर वो चीज़ है जो पैसे, पैसा हर वो चीज़ है जो पैसे का काम करता है। इसको कहे थे हार्टले विदर्स। हार्टले विदर्स साहब ने कहा था मनी इज व्हाट मनी डज। ये कौन कहे थे? हार्टले विदर्स साहब ने कहा था कि मनी वो है जो मनी कहता है, पैसा वो है जो पैसे का काम करता है। क्वेश्चन 27 को डिस्कस कर लेते हैं। विच वन इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी? इसमें से कौन सा मनी के प्राइमरी फंक्शन में इंक्लूड होता है? तो मनी के प्राइमरी फंक्शन में दो दो चीज़ें होती हैं। पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा एक चीज़ हम आपको बता देना चाहेंगे कि मनी के दो तरह के फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन को आपको एम टू से याद रखना है, एम से मेजर ऑफ वैल्यू एंड एक एम से मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एंड दूसरा होता है आपका सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में दो एस हैं, एक एस का मतलब है स्टोर ऑफ वैल्यू और एक एस का मतलब है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। तो मनी के प्राइमरी फंक्शन में क्या क्या आएगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। तो इसका ऑप्शन रहेगा सी, दैट इज व्हाट ए एंड बी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दोनों के दोनों मनी के प्राइमरी फंक्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच वन इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी? इसमें से कौन सा मनी के सेकेंडरी फंक्शन में इंक्लूड होता है? तो टू मेक स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट, टू मेक डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। सब के सब मनी के सेकेंडरी फंक्शन होते हैं। ठीक है, मनी के सेकेंडरी फंक्शंस क्या हैं? डिफर्ड पेमेंट हो सकता है मनी के माध्यम से, वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है मनी के माध्यम से, वैल्यू को ट्रांसफर किया जा सकता है मनी के माध्यम से। सब के सब मनी के सेकेंडरी फंक्शंस हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करते हैं। मनी इज अ पाइवट अराउंड द होल इकोनॉमी क्लस्टर्स, हु सेड इट? इसको किसने कहा था कि मनी पाइवट है पूरी इकोनॉमी क्लस्टर्स को? इसको कहे थे मार्शल साहब। मार्शल साहब कहे थे कि पैसा एक धुरी है जिसके चारों ओर पूरी अर्थव्यवस्था घूमती है। पाइवट यानी एक सेंटर है। मनी इज अ सेंटर अराउंड विच द होल इकोनॉमी क्लस्टर्स। पैसा वो चीज़ है जिसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूमती है। अब भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पर क्यों रहे? पैसे के लिए, पैसा कमाना है। कोई भी काम, जैसे हम पढ़ा के रहे क्योंकि हमको भी पैसा कमाना है, लेकिन पैसे के साथ साथ आपकी आपसे इज्जत भी कमाना है, आपके दिल में जगह भी बनाना है। ठीक है, ये भी हमारा मकसद होता है, लेकिन मेन मकसद तो पैसा कमाना ही होता है। क्योंकि कोई भी इंसान काम करता है तो उसके बदले में उसको कंसिडरेशन लेना ही पड़ता है, तो लेने के लिए ही काम करता है। तो बहुत अच्छी बात कही है मार्शल साहब ने कि पैसा जो है वो एक धुरी है जिसके चारों ओर पूरी अर्थव्यवस्था घूमती है। ठीक है, और पैसे के बिना अर्थव्यवस्था घूम ही नहीं सकती है। ठीक है, पैसे के बिना कोई भी व्यक्ति, कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी कंट्री नहीं कर सकता। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। द फंक्शन ऑफ मनी इज, मनी के कौन सा फंक्शन है? ऑप्शन ए है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन बी है मेजर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन सी है स्टोर ऑफ वैल्यू, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये चारों तीनों के तीनों मनी के फंक्शन हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, ये सभी के सभी मनी के फंक्शन हैं। अगला क्वेश्चन है द फंक्शंस ऑफ मनी इंक्लूड, मनी के फंक्शंस में क्या क्या आता है? ऑप्शन ए है वैल्यू डिटरमिनेशन, ऑप्शन बी है स्टोर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन सी है मींस ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी के सभी फंक्शंस हैं मनी के। मनी का फंक्शन, मनी की मदद से हम वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी गुड्स और सर्विसेज का। मनी स्टोर ऑफ वैल्यू का भी काम करता है, मनी मींस ऑफ एक्सचेंज का भी काम करता है।
मनी इज अ मैटर विच इज, ऑप्शन ए मेजर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन बी एक्सेप्टेड इज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन सी है यूज टू स्टोर वेल्थ एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो मनी इज अ मैटर विच इज अ मेजर ऑफ वैल्यू विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड विच इज यूज टू स्टोर वेल्थ। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दिस। मनी की चार तीनों के तीनों फीचर्स हैं। अगला क्वेश्चन बताइए थी, क्वेश्चन कभी काफ़ी बचे स्टूडेंट्स, वी हैव टू डिस्कस 60 क्वेश्चंस। 60 में से आई थिंक हमने नहीं तो कम से कम 30 क्वेश्चन डिस्कस करिए। क्वेश्चन नंबर 33 पे हमने, चलिए 35 क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाकी के जो आपके 23 क्वेश्चंस बचे हैं। अगला क्वेश्चन है बाय सप्लाई ऑफ मनी वी मीन, मनी सप्लाई का मतलब क्या है। ऑप्शन ए मनी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ऑप्शन बी मनी अवेलेबल विद द पब्लिक, ऑप्शन सी है डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग। मनी सप्लाई का मतलब ये सब चीज़ है। मनी सप्लाई का मतलब आपने कितना पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है, कितना पैसा पब्लिक के पास अवेलेबल है और कितना पैसा पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में डिपॉजिटेड है। अब ये सब कहाँ से आ रहा है, इसके लिए आपको मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, जो बच्चे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई पढ़े होंगे और जो बच्चे हमारे संघर्ष बैच के हैं वो तुरंत तुरंत सारे आंसर्स दे रहे होंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है मनी का। ऑप्शन ए मीडियम एक्सचेंज, प्राइस स्टेबिलिटी, स्टोर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट। तो प्राइस स्टेबिलिटी ये मनी का फंक्शन नहीं है। ठीक है, प्राइस को स्टेबल रखना दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज प्राइस स्टेबिलिटी। अगला क्वेश्चन 35 ये कह रहा है विच वन इज द बैंक ऑफ द पब्लिक, इसमें से कौन सा पब्लिक का बैंक है। ऑप्शन ए कमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक, ऑप्शन सी बोथ एंड बी एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो पब्लिक का बैंक कमर्शियल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक इज नॉट अ बैंक ऑफ पब्लिक। सेंट्रल बैंक पब्लिक का बैंक नहीं होता, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंक होता है। सेंट्रल बैंक बैंकों का बैंक होता है, सेंट्रल बैंक पब्लिक का बैंक नहीं होता है, पब्लिक का बैंक कमर्शियल बैंक होता है, जैसे PNB हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा UP बैंक, ये सब आपके कमर्शियल बैंक्स हैं। और ये ऐसे बैंक्स हैं जो पब्लिक से डील करते हैं। सेंट्रल बैंक यानी RBI पब्लिक से डील नहीं करता, इसलिए RBI को पब्लिक बैंक नहीं माना जाता, बिकॉज RBI कैन नॉट डील विद पब्लिक बिकॉज इट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट के लिए बैंक का काम कर सकता है, ये बैंकों के लिए बैंक का काम कर सकता है, लेकिन ये आपके पब्लिक के लिए बैंक का काम कर सकता है। ठीक है, बैंक जो है पब्लिक के लिए वो कौन सा बैंक है, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक पब्लिक के लिए बैंक का काम करता है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, 35 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, हमने 28 मिनट में 35 क्वेश्चन डिस्कस किए ऑन एन एवरेज। हम लोग एक क्वेश्चन को डिस्कस करने में 45-50 सेकेंड्स लगाए हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह और भी लेक्चर्स लाए जाएं बैंकिंग के साथ साथ बिजनेस स्टडीज़ पे, बिजनेस स्टडीज़ के अलावा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे, इकोनॉमिक्स पे, अकाउंटेंसी पे, सभी सब्जेक्ट्स पे ऐसे MCQs वाले वीडियोज़ बनाए जाए तो आप कमेंट करिए। और वीडियो को यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, संतुष्टि मिलती है, हम जो भी कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए वो सब स्टूडेंट्स को चीज़ें अच्छी लग रही हैं। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और एक और चीज़ याद रखिए, पूरी शिद्दत के साथ पढ़िए और पढ़ाई को एक इंटरटेनमेंट समझिए। डोंट टेक योर स्टडीज एज अ मैटर ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की तरह लेके पढ़ेंगे तो देन डेफिनेटली इट विल बिकम अ बर्डन फॉर यू, या आपके लिए बोझ बन जाएगा पढ़ाई। ठीक है, आप इसको जस्ट एज अ पार्ट ऑफ इंटरटेनमेंट लीजिए, यू विल इंजॉय वाई स्टडी, आप बहुत इंजॉय करेंगे पढ़ने से। ठीक है, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अंत में बस इतना कहना चाहेंगे, ये चीज़ आप याद रखिएगा ज़िंदगी में हमेशा, कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। अरे जब तक पड़े ना हथौड़ी की चोट, तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। तब ये कैसे कह दो, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना आसान होता है, बहुत मुश्किल होता है और मुश्किलों से होकर गुजरना होगा, अपना नाम कुछ बनेगा और अपने जीवन में आप कुछ हासिल कर पाएंगे।
मच ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए पूरी शिद्दत के साथ और अपने माँ बाप के चेहरे पर मुस्कान लाइए, एक हंसी लाइए, खुशी लाइए अपनी मेहनत से।